नेक्स्ट एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर. नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए एंड स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स. देखिए ये क्या चीज़ है भाई, देखिए ये पुरानी बात हो गई थोड़ी सी. आप जानते हैं कि जब किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जाता है, क्या निकालते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट. मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है वो कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं ना आजकल के, इसके बाकायदा एक्सरसाइज की बात कर लेंगे. तो 4 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते थे आपको याद है ना, ये जो अलामत है इस टाइप की अलामत, इसको क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट पढ़ते हैं. कोई नई चीज़ नहीं है, आप पहले भी बना चुके हैं. इस साइन को कहते हैं स्क्वायर रूट. और इसी का दूसरा नाम है रेडिकल. इसी का दूसरा नाम क्या है बोलिए, रेडिकल भी कहते हैं इसे, स्क्वायर रूट भी कहते हैं और इसे रेडिकल भी कहते हैं. ठीक है, इसको नहीं बताएंगे स्क्वायर रूट या रेडिकल्स. स्क्वायर रूट या रेडिकल, अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है. देखिए जो स्क्वायर रूट या रेडिकल होता है इसका मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर हाफ. स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, किसी भी नंबर की पावर हाफ या 1/2, इसका मतलब है, इसका मतलब फिर से देखें, सलामत का मतलब क्या है बोलिए, रेडिकल. और इसका मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर हाफ मालूम करें. मिसाल के तौर पर अगर आपको 4 का स्क्वायर रूट चाहिए, किसका, 4 का, तो इसका मतलब है 4 की पावर हाफ मालूम करें. अगर आपको 16 का स्क्वायर रूट चाहिए तो इसका मतलब है कि 16 की पावर हाफ मालूम करें. यानी किसी भी नंबर की पावर जो हाफ होती है वो स्क्वायर रूट कहलाती है. इज दैट क्लियर. अच्छा दूसरी बात, इसको रेडिकल भी कहते हैं. और रेडिकल के अंदर जो नंबर 4, 16 नज़र आ रहे हैं इनको रेडिकेंड कहा जाता है. क्या कहते हैं, फिर से ये शक्ल तो रेडिकल की है, इसके अंदर जो भी नंबर होगा डेट इज कॉल्ड रेडिकल. अभी हम देखेंगे किस तरह से होगा वो. 4 का स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं बताइए, क्या लिखते थे, 4 के फैक्टर बनाते थे इस तरह से, 2 × 2 याद है आपको, 2 × 4, फिर 2/2 का एक पेयर बनता था और जवाब में क्या आ जाता था, 2, ऐसे ही होता था. बताइए 9 का कैसे बनेगा बोलिए, 9 का कैसे होगा, 3 × 3, तो 3/3 का पेयर बन गया, तो 3 बाहर, ऐसे ही होता था. अच्छा अगर फर्ज कर ले ये हो 16, तो इसका कैसे होगा बोले बोलिए, 4×4 = 16, इसका मतलब है 4 बाहर. अच्छा आप चाहें तो इसकी पावर हाफ लेके भी सॉल्व कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर दोबारा आ जाए यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखा हुआ है, इज दैट क्लियर. अच्छा इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, 4 की पावर हाफ, नहीं समझे, क्योंकि अभी बताया कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ होता है स्क्वायर रूट का मतलब. तो अभी ये 4 लिखा हुआ है, क्या इस 4 को इस तरह लिखा जा सकता है, 2 × 2 बोलिए, 2×4, उसके ऊपर पावर क्या दी हुई है, हाफ. उसके बाद जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, हम जानते हैं सेम वे से मल्टीप्लाई होता है तो उनकी पावरें एड हो जाती है, तो 1+1 क्या हो जाएगा, 2, और उसकी पावर क्या है, हाफ. जब पावर पे पावर आ जाए तो पावरें मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 2. जब 2 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 × 1. हर हद पे पावर 1 होती है लेकिन लिखते नहीं है, क्या आया, 2 आया. क्या ये वही जवाब नहीं है जो पहले आया था, देखें, तो कान यहाँ से पकड़ लो या कान दूसरी तरफ से पकड़ लो,
जवाब एक ही है, रास्ता मुख्तलिफ होगा लेकिन आंसर एक ही आएगा। तो ये बात रोज़े रोशन की तरह वाजे हो गई कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। इस तरह आप किसी भी नंबर की पावर आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं और ये पेयर वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स, ये आपकी चॉइस है कि आप किस रास्ते को अख्तियार करें। समझ गए बात को? स्क्वायर रूट प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है, इसको फिर किसी और दिन बात करेंगे। एक्सरसाइज 2.5, एक्सरसाइज 2.5, पेज नंबर 42। सिंप्लीफाई, क्वेश्चन नंबर 1 है, स्क्वायर रूट ऑफ 169 निकाल। किसका स्क्वायर रूट निकालना है? 169। बहुत ही आसान क्वेश्चन, पूरी एक्सरसाइज बहुत आसान। 169 का स्क्वायर रूट निकाल। तो देखिए क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में, हम क्या करेंगे, लिखा आपने अंडर रूट 169, इसके बाद रफ वर्क भी करना पड़ेगा कुछ। 169 के प्राइम फैक्टर बनाइए, क्या बनाएंगे प्राइम फैक्टर बताएं, किस टेबल से जा रहे हैं आप मैट्रिक के स्टूडेंट, किस टेबल से जा रहे हैं? 3 से नहीं, 3 5 15 होगा, एक वहाँ जाएगा 19 बनेगा, 19 3 के टेबल में नहीं आता। 2 से जा रहा है, 2 8 16 फिर 9 आ गया, 2 के टेबल में नहीं आता, किस टेबल से जा रहा है? ये जाएगा डायरेक्ट 13 से, किससे जाएगा? देखो 13 बन रहा 13, ये 16 है, 3 निकल के यहाँ पे लगेगा, 39 हुआ, फिर 13 3 39, समझ रहे हैं आपको? फिर दोबारा 30 से आएगा, 13 बन रहा 13, तो अब 169 के जो फैक्टर बनेंगे वो ये होंगे, क्या बोलिए, 13 मल्टीप्लाई बाय, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ आ जाए दोबारा 169 को ब्रेक कर लीजिए किस में, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 में, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पेयर बन गया ना, मसला हल हो गया, यहाँ पे पेयर बन गया, देख लेंगे बात, तो 13 बार दैट इज़ योर आंसर। नहीं आप क्या सोच रहे हैं, क्या कोई बहुत लंबा चौड़ा काम होगा इसका, खत्म। एक मिनट है आपके पास, फिर अंडर रूट 180, स्क्वायर रूट ऑफ 180, स्क्वायर रूट ऑफ 180। सॉल्यूशन में देखिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 180, हाँ जी, यहाँ पे आपने लिखा 180, 180 के फैक्टर बनाओ, यहाँ आ जाइए, ये आप आ जाए तीसरी क्लास का मैथ, 180 किससे जा रहा है, जाहिर है 2 से जा रहा है, 29 का 18, 20 का 0, फिर 2 से आएगा, यहाँ पे पड़े 2 का टेबल, 24 का 8, 25 का 10 बढ़ा जाएगा, 24 8 9 है, 1 इधर गया 10 बना, 25 का 10, फिर 3 से 3 बंदा 3 एक इधर गया 15 बना, 3 5 का 15, फिर 3 से जाएगा, 3 5 का 15 क्या होगा, फिर 5 से जाएगा, क्या हो जाएगा बोले, 5 बंदा 5 देखे सही किया बोलिए, 5 ठीक है, तो अब यहाँ पे फैक्टर बना लो इसका, तो 180 के फैक्टर क्या बने बोलिए, 180 के फैक्टर बने 2 × 2 × 3 × 5, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, अब देखिए क्या होगा, यस ये लिखा हुआ अंडर 180 के फैक्टर क्या बन गए भाई, 2 × 2 × 3 × 5, देख समझे बात क्या होगा, बताएं इसका जवाब, कौन बताएगा, 2 × 2 का एक पेयर बन गया, 2 बाहर, 3 × 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर, लेकिन 5 का कोई पेयर नहीं बनेगा, 5 अंदर ही रहेगा, तो 2 बाहर
3x3 का पेयर बना, 3 बाहर, लेकिन अंडर रूट के अंदर 5 का कोई पेयर नहीं है, कोई जोड़ा नहीं है, तो जिसका पेयर नहीं है तो उसको बंद रहना पड़ेगा रूट के अंदर से। इस बैट के लिए फिर क्या होगा, देखें 2-3 था 6 और अंडर रूट में कौन है 5, दैट इज योर फुल एंड फाइनल आंसर। आप लोग वहाँ चले गए, वहाँ चले गए, चाहिए आगे शोर हो रहा है, जाइए वहाँ चले जाए आगे, उठिए आपके पास वहाँ जाइए आगे सामने, छुट्टी का करें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अंडर 12 मल्टीप्लाई बाय, कल इंशाल्लाह यही से सिलसिला का हम जारी रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया।